पचोरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ एलईडी लाइट। अन्य एलईडी लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के एलईडी बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ एलईडी बल्ब अपनाएं। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे शिवाजी चौक बस स्टैंड रोड पर मराठा साम्राज्य के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ, शिवसेना के आदित्य ठाकरे करेंगे। इसके बाद MPL मैदान पर आयोजित जन आक्रोश सभा को यह सभी अतिथि संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विधायक नीलेश उइके के साथ आसपास की विधानसभा के विधायक और अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को शिवाजी महाराज पर आधारित चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता संपन्न हुई। दोनों प्रतियोगिताओं में युवक युवतियों के साथ ही महिला पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक नीलेश उइके, महासचिव उज्जवल सिंह चौहान, नगरपालिका के अध्यक्ष संदीप घाटोड़े ने प्रतिभागी कलाकारों की कला को सराहा। SDM कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर के आदेश पर EVM हैंड्स ऑन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक सरकारी विभाग के कर्मचारियों को EVM की पूरी जानकारी दी जा रही है, जिससे मतदान के दौरान सभी के पास जानकारी उपलब्ध रहे। गुरुवार को SDM RR पांडे सहित शिक्षा विभाग और जल संसाधन विभाग के साथ ही सेक्टर सुपरवाइजरों को मास्टर ट्रेनर्स ने EVM को ऑन करने से लेकर मशीन से मतदान करने तक संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस दौरान SDM ने मास्टर ट्रेनर से कई प्रकार के सवाल भी पूछे। स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सेवा देने वाले 72 स्वच्छता मित्रों का नगरपालिका सभाकक्ष में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यहां सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सचिन खंडार और डॉक्टर त्रिलोक मालवीया ने सफाई कर्मियों की तकलीफें पूछकर जरूरी सलाह दी। सभी के ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की गई। इस दौरान विधायक नीलेश उइके, नगरपालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, उपाध्यक्ष ताहिर पटेल ने सफाई कर्मियों का हालचाल जाना। इसी तरह स्वच्छता निरीक्षक संजय कवड़े व उपनिरीक्षक रवि चौधरी उपस्थित थे।